कोलकाता केस में आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई चौथे दिन संदीप घोष से पूछताछ कर रही है क्योंकि प्रिंसिपल भी शक के दायरे में है। सीबीआई की टीम सच पता लगाने के लिए हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। अब सीबीआई की एक टीम दरिंदगी की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर भी पहुंची है। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है। इस टीम में दो महिला अधिकारी भी हैं। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से ट्रेनी डॉक्टर की डायरी को लेकर भी सवाल करेगी। ट्रेनी डॉक्टर एक डायरी मेंटेन करती थी और उसकी फटी हुई डायरी पुलिस को मिली थी। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही है। कई तो बेसिर पैर के दिख रहे हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। जिसमें पहली थ्योरी है, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था? अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे? इस थ्योरी के पीछे की वजह है 150 मिलीग्राम सीमन का मिलना। हालांकि इसे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं। दूसरी थ्योरी, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साजिश थी? इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया हो। तीसरी थ्योरी बड़ी दिलचस्प है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो। चौथी थ्योरी, जिसके आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं। सवाल वही है, 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? इस संवेदनशील मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिलना अभी बाकी है और वह सबूत है डीएनए जांच रिपोर्ट। जी हां, डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि इस वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल है या फिर कुछ और लोग भी इस वारदात में शामिल थे। जाहिर तौर पर अगर इस घटना को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया है तो आने वाले वक्त में सीबीआई की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सीबीआई रेप और हत्या से जुड़े हर एक एंगल की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। इस बीच केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, आपको वो भी जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल, आरोपी संजय की कॉल डिटेल, अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई के हाथ डॉक्टर की डायरी लगी है जो महिला डॉक्टर के शव के पास मिली है। ये डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी है, जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के फटे पन्ने भी सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि केस की शुरुआत से ये भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। सीबीआई को जो सबूत हाथ लगे हैं उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। केस में सीबीआई के रेडार पर अब कौन कौन है वो भी देख लीजिए। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पीड़िता के दोस्तों के नाम है, साथ काम करने वाले इंटर्न डॉक्टर के नाम है, अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। रूह कपा देने वाले इस वारदात की कड़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि आसानी से इनका सुलझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से एक्शन में दिख रही है उससे उम्मीद है कि देर सवेर इस केस का असली गुनहगार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जघन्य केस में करता रहा है। क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ, तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडक, तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याय और तभी मिल पाएगा ऐसे गुनाह अंजाम देने वालों को सब। हरियाणा के रोहतक से एक हैरान करने वाली खबर आई है। यहां मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट का आरोपी पीजी डॉक्टर है। आरोप है कि 16 अगस्त की शाम को आरोपी ने मेडिकल कैंपस से मेडिकल छात्रा को अगवा किया और उसे अपनी गाड़ी में रात में अंबाला और चंडीगढ़ लेकर गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत और हत्या की खौफनाक वारदात को
देश अभी भूला नहीं है। डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत पर पूरा देश आक्रोश में है कि अचानक महिला डॉक्टर से हैवानियत का नया मामला हरियाणा के रोहतक से सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज की छात्रा का किडनैप किया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है। फैकल्टी से जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं, वो यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा। दरअसल 16 अगस्त को रोहतक मेडिकल कैंपस से महिला डॉक्टर को अगवा किया गया। आरोपी उसे अपनी गाड़ी में रात में अम्बाला और चंडीगढ़ लेकर गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद 17 अगस्त को आरोपी ने डॉक्टर को छोड़ दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पीड़ित छात्रा और आरोपी डॉक्टर दोनों PGIMS से ताल्लुक रखते हैं। पीड़ित छात्रा BDS की पढ़ाई कर रही है, जबकि आरोपी डॉक्टर मनिंदर कौशिक एनाटॉमी विभाग में PG का स्टूडेंट है। करीब 5-6 महीनों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़की के बयान और जांच में अभी तक यौन उत्पीड़न या रेप का कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि अगर महिला डॉक्टर अपने साथी डॉक्टरों के बीच ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा कहाँ है। एक बड़ी खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां पर चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। 16 अगस्त को स्कूल में चाकूबाजी हुई थी। MB अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अस्पताल का एक गेट बंद किया गया। मृतक छात्र के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की मांग की है। बड़ी खबर हम आपको राजस्थान के उदयपुर से बता रहे हैं, जहां पर चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। 16 अगस्त को स्कूल में चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। MB अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अस्पताल का एक गेट भी बंद कर दिया गया है। मृतक छात्र के परिजनों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा थाना बाघ क्षेत्र के नरहोली गांव में हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।